भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी को उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम सिर्फ 128 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को ही वापसी करवाई और कहर बनकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर टूट पड़े। ऑस्ट्रेलिया से मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। भारतीय टीम ने सिर्फ 39 के स्कोर पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। पहले ईशांत किशन 3, विराट कोहली 4 और सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट चुके थे, जबकि शुभमन गिल 20 रन बनाने में सफल हुए थे। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को मिशेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया और एक खास कारनामा कर दिखाया। दरअसल मिशेल स्टार्क अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट करियर में पहली बार विराट कोहली को अपना शिकार बनाने में सफल हुए हैं। साल 2010 में वनडे डेब्यू और 2012 में T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले मिशेल स्टार्क इससे पहले कभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली को पवेलियन की राह दिखाने में सफल नहीं हुए थे।